গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুর্সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্ধসাধিকে শরণে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে। নমস্কার, মৈ সূরজ মিশ্রা আপ লোগোঁ কা স্টোর তক পর স্বাগত করতা হুঁ। জি, আজ মৈ আপকে জন্ম কুণ্ডলি মে আইএস বননে কা যোগ বতানে কে লিয়ে আয়া হুঁ। क्या आपके जन्म कुंडली में आईएस या डीएम बनने का योग है, या आप जान सकते हैं, या इन योगों में कमी हो तो उनको आप अपने कर्मों को के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, कर्म के द्वारा हम अपने योगों में परिवर्तन ला सकते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके जन्म कुंडली में कैसे आप देखें कि आईएस बनने का योग है। सर्वप्रथम आपके जन्म कुंडली का जो नवम भाव नवेश और दशमेश, नवेश और दशमेश का आपके जन्म कुंडली में संबंध बन रहा हो, अर्थात आपके भाग्य का स्वामी और आपके राजपद का स्वामी आपकी कुंडली में संबंध बना रहे हो, और आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हो। जी हाँ, आईएस बनने के लिए सूर्य की स्थिति उत्तम चाहिए। सूर्य की स्थिति यदि उत्तम रहती है तो व्यक्ति डीएम बन जाता है। डीएम बनने में सूर्य की स्थिति अच्छी चाहिए चाहिए, साथ साथ लग्नेश की स्थिति, आपका लग्नेश उच्च का हो, या अपने मित्र राशि में, या अपने स्व राशि में बैठा हो, तो आपकी कुंडली में आईएस बनने के योग में प्रबलता लाता है। साथ ही साथ सबसे प्रमुख बात कि इन सभी योगों के बनने के बाद भी यदि चंद्रमा आपका कमजोर हो जाए तो व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति भटक जाता है और सफलता के दरवाजे पर पहुंचकर वह घुर जाता है। जी हां, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको आप उत्तम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, और यदि आप उसको उत्तम ना करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपकी सफलता और असफलता में बदल जाएगी। अब आते हैं इसका उपचार क्या है, कैसे हम शीघ्र ही आईएस या आईएस डीएम बन जाएं। देखिए, शीघ्रता तो किसी विशेष चीज में नहीं होती, यह शीघ्रता सिर्फ मानव के सोच की बातें हैं। सतत प्रयास से ही कोई भी चीज हासिल किया जाता है, और आप सबसे पहले कर्मनिष्ठ बने, अपने कर्म के प्रति जुझारू बने। आप अपने जन्म कुंडली में, यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो रही हो तो आप प्रत्येक दिन तांबे के लोटे में सूर्य को जल चढ़ाएं तथा आदित्य हृदय का पाठ प्रत्येक दिन करें। यह प्रातःकालीन होनी चाहिए। प्रातःकालीन सूर्योदय के काल में आदित्य हृदय का पाठ और सूर्य को जल चढ़ाएं। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का 108 बार, यदि समय का अभाव हो तो कम से कम 3 बार जरूर गायत्री मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आप के कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर हो रहा हो तो योग जरूर करें। ध्यान भ्रामरी आपके लिए अति उत्तम है। शंकर भगवान को प्रत्येक दिन दूध से स्नान करवाएं। यदि दूध प्रत्येक दिन उपलब्ध नहीं होता तो गंगा जल और बेलोपत्र शंकर भगवान को अर्पित करें, और शिवालय में बैठकर कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जन्म कुंडली में यदि इन योगों में कमी आ रही हो
डीएम बनने के योग में कमी आ रही हो तो उन योगों की पूर्ति होगी। साथ ही साथ आप कर्मनिष्ठ कर्म प्रधान बने, क्योंकि डीएम जो होता है वह यदि कर्म प्रधान होगा तभी वह अपने डिस्ट्रिक्ट का अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है और राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। नमस्कार, आपको साधुवाद, धन्यवाद। नमः पार्वती पते।